इसका मुख्य कारण क्या है? अनशन पर बैठने का मुख्य कारण यह है कि बक्सर जिला को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अगल बगल के जिला रोहतास जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, आपको भोजपुर को सूखाग्रस्त किया गया है। भ्रष्ट जिला कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर इसको जिला सूखा घोषित नहीं किया गया है। अच्छा, अभी तक आप लोग अनशन बैठे हैं, जिला प्रशासन का कोई लोग छुट्टी लेने आया कि नहीं? कोई नहीं आया है, जबकि हमने जिला प्रशासन के जिला में पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक एसपी महोदय और एसडीएम महोदय को सूचना दे दी है लिखित रूप से। फिर भी कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। आपकी मांग क्या क्या है? मांगे 19 बिंदुओं पर मेरा मांग है बक्सर जिला में। सबसे मुख्य मांग मेरा यही है कि बक्सर जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। 19 बिंदुओं मेरा मांग है। सोलह 17 जिला को बिहार में सूखाग्रस्त घोषित किया गया, बगल के जिला रोहतास को भी घोषित किया गया, और बक्सर जिला में कहीं भी रोपनी नहीं हुआ है, धान का फसल नहीं लगाया पाया किसानों ने। और यहाँ पर जो कृषि पदाधिकारी है बक्सर जिला का, उसने गलत रिपोर्ट दिया है, जिला पदाधिकारी डीएम ने भी गलत रिपोर्ट दिया है, जिसके चलते बक्सर जिला सूखा घोषित नहीं किया गया। और यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएन चौबे जी ने अमर अनशन ठान लिया है। जब तक बक्सर जिला सूखा घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। जब से आप लोग अनशन बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन का कोई लोग छुट्टी लेने आया है? जिला प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी अभी तक नहीं आए पूछने के लिए क्या हाल चाल है, क्या आप चाहते हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। हमने डीएम को भी फ़ोन लगाया, एसडीओ को भी फ़ोन लगाया, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन मृत पड़ा हुआ है। मुख्य तौर पर आप लोग मांगे क्या हैं? मुख्य तौर पर मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे हैं हमारी कि जो गलत रिपोर्ट दिया है, वैसे पदाधिकारी को जल्द यहाँ से हटाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द बक्सर जिला को सूखा घोषित किया जाए। आपका परिचय? शिवजी पासवान, पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस।